फ्रेंड कैसे हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एक ही ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ रियलमी का नार्जो N53 और दूसरी तरफ रियलमी का C53, इन दोनों स्मार्टफोन का अगर प्राइस की बात करी जाए तो रियलमी के नार्जो N53 को 10,999 रुपए की प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ रियलमी के C53 को भी 10,999 रुपए की प्राइस में 6GB की रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग भी इन दोनों स्मार्टफोन को लेकर कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए परफेक्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जानने के लिए आज किस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के सिर्फ नाम में ही डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी परफॉर्मेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा ही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। रियलमी के नार्जो N53 में भी यूनिसोस का T612 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ रियलमी के C53 में भी यूनिसोस का T612 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए, डिस्प्ले के साइज में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर डिस्प्ले की क्वालिटी में काफी डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ रियलमी के नार्जो N53 में 6.74 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के C53 में 6.74 इंच की HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों स्मार्टफोन से आप लोगों को डिस्प्ले की क्वालिटी बेटर रियलमी के नार्जो N53 में देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए, जिस तरह डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर आप लोगों को रियलमी के नार्जो N53 में देखने को मिल जाती है, उसी तरह काफी बेटर कैमरा आप लोगों को रियलमी के C53 में देखने को मिल जाता है, क्योंकि रियलमी के C53 में आप लोगों को 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के नार्जो N53 में सिर्फ 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है, वो रियलमी के C53 में काफी ज्यादा बेटर निकल के आती है। इस स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए, तो सेल्फी के मामले में दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल एक जैसे, क्योंकि रियलमी के नार्जो N53 में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के C53 में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका अपर्चर F2.0 अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए, तो बैटरी दोनों स्मार्टफोन में एक जैसी देखने को मिल जाती है, पर चार्जिंग स्पीड में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। रियलमी के नार्जो N53 में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 30W के सुपर वॉक चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के C53 में भी 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, पर आप लोगों को सिर्फ 18W के ही क्विक चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर की अगर बात करी जाए, तो दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, वैसे तो दोनों स्मार्टफोन में एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ये दोनों स्मार्टफोन अलग अलग यूजर्स के लिए बनाए गए। अगर आप लोग एक अच्छी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं, फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोगों को रियलमी के नार्जो N53 की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग डिस्प्ले से कंप्रोमाइज कर सकते हो, चार्जिंग से कंप्रोमाइज कर सकते हो और एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोगों को रियलमी के C53 की तरफ जाना चाहिए।